हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं एक्सटॉर्शन पर पार्ट टू लेकर के आपके सामने आया हूँ और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होने के बाद एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट होता है और उस कंसेप्ट को समझकर हमें आंसर देना होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, लगभग सारे समान होते हैं और ज्यादातर स्थिति बनती है कि 4 में से 2 विकल्प ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा नीरेस्ट होते हैं और उनमें चूज करना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सा एक्चुअली सही है। तो पार्ट टू में मैंने ये कोशिश की है कि यदि एक्सटॉर्शन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो उसे आप हल कर ले जाएंगे, क्लियर कर ले जाएंगे। तो मैं आज उस पर बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि जो सेक्शन 44 आईपीसी इंजरी की बात करता है और एक्सटॉर्शन के अंदर जो इंजरी है उस वो किस एक्सटेंट तक है, मतलब किस सीमा तक हमें सिद्ध करना चाहिए कि वो इंजरी, फियर ऑफ इंजरी, उद्दापन का ऑफेंस बन जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये जो फियर ऑफ इंजरी है, सबसे पहली बात ये है कि इसका इंटेंशनली होना बहुत जरूरी है, यानी कि उद्दापन के अपराध का जो आवश्यक तत्व है वो है क्षति के भय में साहस रखना। ये इसका आवश्यक तत्व है, यानी कि क्षति का भय तो हो लेकिन इंटेंशनली हो। और दूसरी बात यह है कि ये जो क्षति का भय है वो प्रत्यक्षता भी हो सकता है और परोक्षता भी हो सकता है, दोनों तरह से हो सकता है। और जो क्षति से तात्पर्य है वो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया है कि वो शारीरिक हो सकती है, बॉडी के लिए हो सकती है, मेंटली हो सकती है, मस्तिष्क के लिए हो सकती है और प्रतिष्ठा या संपत्ति को भी क्षतिकारित की जा सकती है। तो इस तरह से ये क्षति का भय इतने तरह से तो हो सकता है, लेकिन इसमें जो आवश्यक चीज है वो याद रखना है कि वो साहस होना चाहिए, ये इसका आवश्यक तत्व है। दूसरा, अब हम ये देख लेते हैं कि किस सीमा तक होना चाहिए, यानी कि क्षति का भय हम कब कब ये उद्दापन के अपराध को कारित कर उद्दापन के अपराध को बना देगा, यानी कि किस सीमा तक ये क्षति का भय हो जिससे उद्दापन का अपराध साबित हो जाए। तो इसमें इसका जो प्रकृति है भय की, फियर की जो प्रकृति है और इसका जो एक्सटेंशन है, जो विस्तार है, वो इस सीमा तक होना चाहिए कि जिस भी व्यक्ति को क्षति के भय में रखा गया है वह इतना घबरा जाए कि वह अपने स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने में असक्षम हो जाए, वह अपनी स्वतंत्र सहमति का इस्तेमाल करने में असक्षम हो जाए और वो भय में आकर के जिस व्यक्ति ने उसको भय में रखा है या भय में डाला है उस व्यक्ति की इच्छा अनुसार कार्य करने लगे, तब हम कहेंगे कि फियर ऑफ इंजरी है। उद्दापन के अंदर ये सीमा फियर ऑफ इंजरी की बताई गई है। आईपीसी में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि उस व्यक्ति का मस्तिष्क असंतुलित हो जाए और वह स्वेच्छा अपनी खुद की स्वतंत्र इच्छा से कार्य करने में असक्षम हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेक्शन 44 का इंजरी है उसका जो उद्दापन के अंदर जो हम यूज करते हैं उसका एक्सटेंशन ये है। उसमें तो ये बताया गया कि भाई क्षति ऐसा है, ऐसी होनी चाहिए, इस टाइप की होनी चाहिए, लेकिन किस सीमा तक होना चाहिए वो हमें 383 में ही मिलता है। और उस सीमा तक अगर वो इंजरी पहुंचती है तभी उद्दापन बनता है। अभी एक बात और यहां समझ लेना है कि
कि इस धारा में जो 383 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें दी गई धमकी या भय का लगाए गए आरोप की सत्यता का कोई संबंध नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति को जिसको भय में डाला गया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है कि वो सही है या गलत है। वो फियर ऑफ इंजरी सीमा तक होनी चाहिए, ये जरूरी है। और ये जो धमकी है, ये जो भय है ये किसी भी चीज का आरोप लगाने का, तो ये सही है या सही नहीं है इसका फियर ऑफ इंजरी से कुछ लेना देना नहीं है। आरोप एक अलग पहलू है और फियर ऑफ इंजरी एक अलग पहलू है। वो आरोप सही था, आरोप गलत था, जिसको उस पर लगाया जा रहा है या लगाया जाने का धमकी दिया गया है, जो भी है, इन दोनों का इंटरकनेक्शन नहीं है। फियर ऑफ इंजरी और जो जो उसके ऊपर एलिगेशन है, वो उनका आपस की कोई संबंध नहीं है। ये स्पेशली हमें ध्यान रखना है। तो फियर ऑफ इंजरी में सिर्फ इतना याद रखना है कि वॉलेंट्री होना चाहिए, इंटेंशनली होना चाहिए, और इसमें जो ये इसका आवश्यक तत्व है, ये फियर ऑफ इंजरी, ये परोक्षता भी हो सकता है, प्रत्यक्षता भी हो सकता है। तो प्रत्यक्षता या परोक्षता दोनों तरह से हो सकता है। और जो क्षति का तात्पर्य इसके अंदर है, वो किसी भी तरह की क्षति हो लेकिन विधि विरुद्ध होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए, इलीगल होना चाहिए। ये हमें याद रखना है कि क्षति चाहे वो शरीर के लिए हो, चाहे वो मस्तिष्क के लिए हो, चाहे वो प्रतिष्ठा के लिए हो, चाहे वो संपत्ति को कारित की गई हो, लेकिन ये विधि विरुद्ध ही होना चाहिए, इलीगली कास्ट होना चाहिए। बस अगर इतना हमें मालूम है, तो अगर उद्दापन से कोई क्वेश्चन इस कंसेप्ट को लेके आता है तो हम इस क्वेश्चन को क्लियर कर ले जाएंगे। क्योंकि एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो सीधा नहीं होगा, वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है फियर ऑफ इंजरी छुपी हो, और हमें उसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि ये इसमें उद्दापन बनेगा या नहीं बनेगा। क्योंकि उसमें जो इंजरी दिखाई जाएगी तो उसका एक्सटेंशन वो कम या ज्यादा कर देते हैं क्वेश्चन जो हमारे सामने होता है, तो उसमें देखना होता है। अगर एक्सटेंशन बेहतर है, यहाँ जो हमारा आईपीसी कहता है वही एक्सटेंशन है, तब तो उद्दापन बन जाएगा। या फिर क्वेश्चन में जो एक्सटेंशन है वो कम या ज्यादा है, तो फिर हमें सोचना होगा कि ये उद्दापन बनेगा या नहीं बनेगा। तो उद्दापन का जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो है परिधान हेतु बेईमानी पूर्वक उत्प्रेरित करना, यानी कि डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट फॉर डिलीवरी। पहला तत्व तो जो आवश्यक था वो तो था, लेकिन ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना तो उद्दापन बनेगा ही नहीं। क्योंकि उद्दापन का तो जो अपराध है उसका तो मूल डिलीवरी ही है, कि किसी ने संपत्ति की डिलीवरी होना चाहिए, और वो भी डिसऑनेस्ट होना चाहिए, और वो डिलीवरी के लिए जिस व्यक्ति ने उस किसी व्यक्ति को भय में डाल रखा है, उस व्यक्ति के इंड्यूसमेंट की वजह से होना चाहिए। यानी कि उस व्यक्ति को ही उकसाना चाहिए प्रदान करने के लिए, उस व्यक्ति को जिसको भय में रखा गया है, और डिलीवरी होना बहुत जरूरी है। और यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो डिलीवरी है वो एक्चुअल होना चाहिए, वास्तविक डिलीवरी होना चाहिए। अगर वास्तविक डिलीवरी नहीं हो रही है तो उद्दापन भी नहीं बन रहा है। आईपीसी में स्पष्ट ये किया गया है कि इस अपराध का सार है बेईमानी पूर्ण उत्प्रेरण, और ऐसे उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप संपत्ति समर्पण को स्वीकार करना। अब देख लीजिए, स्पष्ट कहा है इन्होंने कि एक्चुअल डिलीवरी होना ही चाहिए, इसका ये एसेंशियल है। और ये फियर ऑफ इंजरी के परिणाम स्वरूप होना चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, वो भी फियर ऑफ डिलीवरी के कॉन्सिक्वेंसली। दूसरा, उद्दापन के अपराध के लिए एक विशेष बात यह है कि इस अपराध में सदोष हानि या सदोष लाभ कारित करने का आशय आवश्यक है, क्योंकि
आईपीसी स्पष्ट करती है कि केवल और केवल सदोष हानि पहुंचाना पर्याप्त नहीं होगा। किसी मामले में अगर कुछ ऐसा है कि केवल सदोष हानि ही है और सदोष लाभ का कोई साक्ष्य नहीं है तो आईपीसी के अनुसार ये पर्याप्त नहीं होगा। और वो तथ्य परिस्थितियां क्या कहती है वो एक अलग बात है, लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि केवल सदोष हानि पर्याप्त नहीं होगी उद्यापन के लिए, उसमें सदोष हानि या सदोष लाभ गारित करने का आशय होना चाहिए। तो ये इस तरह से भी क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे सामने जिसमें केवल सदोष हानि हो, और आंसर हमारे पास इस तरह के हो सकते हैं कि उद्यापन का अपराध है या नहीं है, या जो भी आवश्यक तत्व दिए गए हैं क्या उनमें से ये पर्याप्त है या पर्याप्त नहीं है। तो हमें ये याद रखना है कि दोनों का आशय होना आवश्यक है, केवल एक यानी कि सदोष हानि अकेले पहुंचाना पर्याप्त नहीं होगा। दूसरा, अभी मैंने बताया कि ये सबके बावजूद भी यदि एक्चुअल डिलीवरी नहीं हो रही है, वास्तविक परिधान नहीं हो रहा है, तो फिर उद्यापन का अपराध घटित नहीं होगा, क्योंकि उद्यापन का अपराध का मूल ही है कि अगर हमने किसी को भय में डाला है तो यह तो सदोष हानि होना चाहिए या सदोष लाभ होना चाहिए, और अगर सदोष हानि या सदोष लाभ होगा तो उसके लिए कोई ना कोई संपत्ति होनी चाहिए। तो जो भी संपत्ति है उसका परिधान यानी कि उसकी डिलीवरी बहुत आवश्यक है। और इसका जो एक डिलीवरी के लिए उन्होंने बात बताया है आईपीसी में, वो ये बताया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल भय में आकर के किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति अगर वो ले जा रहा है तो उसको ले जाने से रोकता नहीं है, बाधा नहीं पहुंचाता, जो संपत्ति वो व्यक्ति उस समय उसके सामने हटा रहा है, तो वहां उद्यापन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां पर डिलीवरी नहीं हो रही है, वह व्यक्ति उस संपत्ति की डिलीवरी नहीं कर रहा, उस व्यक्ति को वो सिर्फ भय में आकर के उसको बाधा नहीं पहुंचा रहा है, उसको रोक नहीं पा रहा है, साहस नहीं जुटा पा रहा है रोकने का वो, लेकिन वो व्यक्ति खुद वो संपत्ति उठा करके ले जा रहा है, तो यहां उद्यापन नहीं बनेगा। लूट हो सकता है, लूट बन सकता है परिस्थितियों के अनुसार, लेकिन उद्यापन नहीं बनेगा, क्योंकि उद्यापन के लिए डिलीवरी जरूरी है, और वो भी डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट की वजह से, और वो डिलीवरी उसी व्यक्ति को करनी है जो फियर ऑफ इंजरी में है। और इसके पहले हम जान चुके हैं कि डिलीवरी या तो उस व्यक्ति को स्वयं जो उस समय उसको फियर ऑफ इंजरी में रखे है उसको कर सकता है, या उसके निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को भी कर सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि किसी व्यक्ति का क्या एक्सटेंशन है और उसका कितना बड़ा सर्किल बनता है, कौन कौन उसके अंदर हो सकते हैं, तो उसको हमने देखा था। तो इसमें हम स्पष्ट रूप से क्लियर एक बात रखनी है कि उद्यापन का अपराध तभी घटित होगा तब एक्चुअल डिलीवरी होगी, और यानी कि वास्तविक परिधान करना बहुत जरूरी है, प्रदान उसी व्यक्ति को किया जा सकता है या उस व्यक्ति के निर्देशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई व्यक्ति डर के कारण, भय के कारण उस समय किसी प्रकार की बाधा उस व्यक्ति को नहीं पहुंचाता है जो वो संपत्ति उठा करके खुद लिए जा रहा है या जो वो खुद संपत्ति हटा रहा है उसके सामने, तो वहां पर उद्यापन नहीं होगा, वहां लूट हो सकता है, क्योंकि उद्यापन इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो प्रदान नहीं कर रहा है। तो ये था इंड्यूसमेंट। और दूसरा, मैं इसमें आपको वाद बताना चाहता हूं, और ये वाद है लाभ शंकर है 1955 सौराष्ट्र का है, और इसमें न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि प्रदान के अभाव में उद्यापन घटित नहीं होगा,
परिधान संदेह से परे सिद्ध किया जाना चाहिए, यानी कि जो भी परिधान है वास्तविक परिधान है वो जो वास्तविक प्रदान है उसे सिद्ध किया जाना चाहिए, वो भी संदेह से परे बियॉन्ड डाउट हमको सिद्ध करना होगा कि एक्चुअल डिलीवरी हुई है। और यदि एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती है तो फिर उद्यापन का अपराध घटित नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा मैं जो तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है वो ये है कि क्या कोई अपूर्ण दस्तावेज है या यानी कि यूं कह सकते हैं कि जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी है जो कि सेक्शन 30 आईपीसी में बताया गया है और फर्स्ट वीडियो में हमने उसको देखा भी है, डॉक्यूमेंट्स को हमने सेक्शन 29 आईपीसी में भी देखा है, तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो ही कन्वर्ट हो जाता है सेक्शन 33 में यदि वो किसी लीगल राइट या लीगल लाइबिलिटी को एक्नॉलेज करता है या एक्नॉलेज नहीं करता है, कई तरह से हो सकते हैं, उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देख लेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है कि कैन अ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट बी अ सब्जेक्ट मैटर फॉर एक्सटॉर्शन, क्या एक्सटॉर्शन के लिए एक इनकम्प्लीट दस्तावेज सब्जेक्ट मैटर हो सकता है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट वीडियो में कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं वैल्यूएबल सिक्योरिटी में वो भी इसका सब्जेक्ट मैटर होता है। तो अगर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो सब्जेक्ट मैटर होगा, लेकिन वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट हो। अब जैसे इसके लिए एक एग्जांपल है इजी सा, समझ लेते हैं उसको। कोई अगर प्रॉमिसरी नोट है और उस प्रॉमिसरी नोट पर कोई व्यक्ति फियर ऑफ इंजरी में आकर के केवल साइन करके उसकी डिलीवरी कर सकता कर देता है, तो उसमें ना तो डेट डाली गई है ना ही अमाउंट डाला गया है, तो उस प्रॉमिसरी नोट को डेट और अमाउंट डाल करके वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है और तब वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी तो हो ही जाएगी। इसलिए एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी एक्सटॉर्शन का सब्जेक्ट मैटर हो सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे याद रखना है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट भी होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। मित्रों मेरी कोशिश है कि मैं वो सब किसी भी सेक्शन के वो सब पहलू टच करूं जहां जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। एक एक्सटॉर्शन को लेकर के एक लास्ट स्लाइड है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं कि अगर हम उन्हें स्टेप बाय स्टेप देखें तो दो तीन तरह के अपराध एक साथ बनते हैं, यानी कि एग्जांपल वही रहता है लेकिन सिर्फ एक दृष्टिकोण होता है एग्जामिनर का कि वो हम सिर्फ क्या पूछ रहा है, यह जो प्रॉब्लम दी है उसमें हमें दिखता कुछ है और होता कुछ है, उसका रीजन यही है कि वो एग्जाम्पल दो तीन एंगल रखता है और क्वेश्चन पूछने वाला किस एंगल से हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है वो हमें 4 MCQ बता देते हैं, वो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं वो एक्चुअली वो बता देते हैं कि इसका एंगल क्या है। तो एक बात ये भी है प्रॉमिसरी नोट को लेकर के कि इनकम्प्लीट तो डॉक्यूमेंट तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो सकता है क्योंकि वो कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी कागज के टुकड़े पर किसी व्यक्ति से बलपूर्वक या फियर ऑफ इंजरी में ही
अंगूठा लगवा लेता है या अंगूठे का निशान लगवा लेता है, तो लग तो रहा है कि ये वैल्यूएबल सिक्योरिटी में परिवर्तित किया जा सकता है और किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस तरह से वो अंगूठा बलपूर्वक अंगूठा लगवा करके किसी कागज के टुकड़े पे उसको इसका विषय वस्तु बनाना चाहता है, उसको मूल्यवान प्रतिभूत के रूप में परिवर्तित करके कुछ परिवर्तित कर सकता है, तो भी यहाँ पर उद्दापन का अपराध गठित नहीं होगा। वो आईपीसी में किसी अन्य सेक्शन के अंदर तो जा सकता है लेकिन 383 में नहीं आएगा। अपराध तो वो भी है, किसी कागज के टुकड़े पर, किसी सादे कागज के टुकड़े पर किसी व्यक्ति से बलपूर्वक अंगूठा लेना, वो भी अपराध है। और सादे कागज पर अंगूठा ले लिया है तो उसे परिवर्तित भी किया जा सकता है, फिर भी वो उद्दापन का अपराध गठित नहीं करेगा। और ये एग्जाम में पूछा गया है, और अगर क्लियर कंसेप्ट नहीं है तो सीधे सीधे हमें उसमें एक्सटॉर्शन दिखता है, लेकिन ये एक्सटॉर्शन में नहीं आ रहा है। आईपीसी में भी ये दिया गया है, मैं जो एग्जाम्पल पढ़ रहा हूँ आईपीसी का ही पढ़ रहा हूँ, और उसमें दिया गया, उसमें साफ लिखा गया है कि ये एक्सटॉर्शन में नहीं आएगा, अन्य किसी सेक्शन में जाएगा। तो इस तरह से हमें ये देखना है कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो हैं वो वैल्यूएबल कब हो सकते हैं, और ये कौन से हो सकते हैं, ये किस तरह से हो सकते हैं। लेकिन एक उदाहरण इस आईपीसी में दिया गया कि इस तरह वाला नहीं हो सकता, यानी कि अगर हम किसी सादे कागज के टुकड़े में किसी का बलपूर्वक धमका करके कोई अंगूठा का निशान ले लेते हैं तो उसमें उद्दापन नहीं बनेगा। अब मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं जिसके कई एंगल हैं, और एग्जामिनर क्या पूछता है उसके अकॉर्डिंग हमको आंसर देना होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, एग्जाम्स में आ भी चुका है, तो कृपया ध्यान से सुनिएगा। ए बी का ब्रीफ केस पाता है तथा वह बा को लिखता है कि वह उसे ब्रीफ केस तब देगा जब वह उसे 500 रुपए अदा करेगा। बस इतना प्रॉब्लम है, यहाँ थोड़ा सा गौर करना है। ए बी का ब्रीफ केस पाता है तथा वह बी को लिखता है कि वह उसे ब्रीफ केस तब देगा जब वह उसे 500 रुपए देगा। अब देखिए यहाँ अपराध कैसे बनते हैं। पहला तो उद्दापन बन गया, कैसे बन गया, यदि बी उसे 500 रुपए अदा कर देता है तो उद्दापन बन गया, यदि बी उसे 500 रुपए नहीं देता तो उद्दापन करने का प्रश्न बन गया, और यदि ए उसको ब्रीफकेस वापस नहीं करता तो आपराधिक दुर्विनियोग का अपराध बन गया। तो इस तरह से ये हमें प्रॉब्लम देखनी होती है, और एग्जामिनर के मूड को भी एमसीक्यू से पता चल जाता है कि वो क्या पूछने वाला है। अब एग्जाम्पल आपने देखा, बड़ा सिंपल एग्जाम्पल था, लेकिन उद्दापन भी बन रहा है, कब बन रहा है, जब डिलीवरी हो रही है, मनी की डिलीवरी हो रही है, और अटेम्प्ट भी बन रहा है, कब बन रहा है, जब वो डिलीवरी नहीं कर रहा है, मनी की डिलीवरी नहीं कर रहा है तो अटेम्प्ट बन रहा है। और यदि ए उसका ब्रीफकेस वापस नहीं कर रहा है, खुद यूज कर रहा है, तो फिर अपराधी दुर्विनियोग का अपराध बन रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि एक्सटॉर्शन के कंसेप्ट को आज मैंने क्लियर किया, और इसमें जो बहुत ही आवश्यक तत्व है जो अपराध को मिलकर के गठित करते हैं, कोई एक तत्व अकेले इस अपराध को गठित नहीं कर पा रहा है, इसमें जितने भी सारे तत्व हैं वो सब मिलकर के ही इस अपराध को गठित कर रहे हैं। तो हमें इन्हें एक साथ और एक चैन में, एक सिस्टम में देखना होगा, पहले क्या, फिर
फिर क्या, फिर क्या? अगर ये आप देखेंगे तो मैंने आपको 60 नोट्स प्रोवाइड कराए हैं स्लाइड में, और अगर ये 60 नोट्स आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपका कंसेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि कोई भी चीज आप वो छोटा सा जो मैंने फिगर या जो मैंने टुकड़ों में बांट के लिखा है, अगर वो आपको याद आ जाएगा तो पूरा का पूरा कंसेप्ट आपको इसका आ जाएगा आपके दिमाग में, और आप किसी भी तरह का क्वेश्चन इससे फिर हल कर पाएंगे। मित्रों, ये मेरा एक्सटेंशन पर दूसरा वीडियो है, और मेरी कोशिश रही है कि मैं एक्सटेंशन में जितना भी इसका कंसेप्ट है टोटल कंसेप्ट आपको दूं, और अपनी पूरी क्षमता के अनुसार मैं उसे क्लियर करने की कोशिश भी मैंने की है। और एक्चुअली मेरा उद्देश्य है उन सभी मेरे मित्रों के लिए जो लकी कोचिंग तक अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, जो जुडिशरी में वाच कर रहे हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं, या ऐसी इच्छा रखते हैं, या इस समय वो खुद ला कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये मेरा प्रयास है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट भी करें, ताकि मैं आगे भी ऐसे वीडियो ऐसे कंसेप्ट लेकर के आपके सामने आता रहूं। धन्यवाद।